ओम शांति। आज हम 24/12/2022 की मुरली का सार पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हमारा यह अंतिमवां 84वां जन्म है। अब वापिस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। क्वेश्चन है, बाप पक्का सौदागर है कैसे? उत्तर है, अभी साहूकार है जिन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता, गरीबों को ही बाबा ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते, इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। क्वेश्चन है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनते पढ़ने में सुस्ती करते, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सभी को राजी करना है, मूढ़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हमें अच्छे मैनर सीखने और सिखाने हैं। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन, हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है, हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे। ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे। ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। बाबा कहते, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे और हम क्या बन गए, हम क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष ड्रामा इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नुदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है ना, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन, हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का संयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ओम शांति। जो योग युक्त हैं उन्हें सर्व का संयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।